राजधानी में एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार कड़े प्रयास कर रही है। नगर निगम में भी अपनी जगह बनाने के लिए दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी दिल्ली में 1000 नुक्कड़ सभाएं कर अपनी उपलब्धियां और भाजपा की खामियां निकालने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदर्श नगर की नुक्कड़ सभा में शामिल हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को इस बार लोगों का जीवन नरक बनाने का पूरा हिसाब मिलेगा। सब अपने वार्ड की तरक्की के लिए इस बार झाड़ू चलाएंगे। दोस्तों, एमसीडी के चुनाव के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, मालूम है ना कौन सी तारीख को है? आपको ये पता है एमसीडी हम क्यों चुनते हैं? एमसीडी का पहला काम क्या है? एमसीडी का पहला काम कचरा साफ करना है ना। एमसीडी ने हमारी गलियों में कूड़ा साफ किया क्या? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सरकार में है, हमारी गलियां साफ रहती हैं क्या? हमारी नालियां साफ रहती हैं क्या? गली में कूड़े के ढेर रहते हैं कि खत्म हो गए? रहते हैं, पड़े रहते हैं चारों तरफ कूड़े के ढेर। पड़े तो गलियों में कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं एमसीडी में। बीजेपी 15 साल से, इन्होंने 15 साल से कुछ नहीं किया। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी का एमसीडी का मेन काम था वो भी नहीं किया। 15 साल में जब बीजेपी ने अपना मेन काम नहीं किया, कूड़ा साफ करना इनका मेन काम था, फिर किया क्या है 15 साल में? ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत फैलाया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कोई काम किया? स्कूल चमका दिए। ये 15 साल से गलियां नहीं चमका पाए, केजरीवाल जी ने 7 साल में जनता ने कहा स्कूल चमकाओ तो स्कूल चमका दिए, और बिजली के बिल 0 आ गए, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, तीर्थ यात्रा, कह रहे जी काम की कोई गिनती नहीं है। केजरीवाल जी के काम इतने 7 साल में कि आप बताते बताते थक जाओगे, और बीजेपी का कोई काम नहीं, आप हाथ हिलाते हिलाते थक जाओगे, कोई काम नहीं हुआ। ये हालत है 15 साल में बीजेपी की और 7 साल में केजरीवाल जी की। तो अब जब एमसीडी का चुनाव आ रहा है, चारों तरफ माहौल बना हुआ है, जैसे यहां सभा हो रही है वैसे ही हर तरफ यही आवाज उठ रही है, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। एमसीडी में केजरीवाल जी का आना तय है, एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनना अब तय है। लेकिन एक चीज आपको तय करनी है कि जब एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार हो तो आपके मोहल्ले में पार्षद भी केजरीवाल का हो। मुकेश गोयल जी या अरविंद केजरीवाल जी या पवन भाई एमएलए साहब कहेंगे जी यहाँ पे सड़क बनानी है, बीजेपी का पार्षद होगा कहेगा मैं सड़क नहीं बनने दूंगा, वो राजनीति करेगा, लड़ने की राजनीति करेगा। तो बीजेपी का पार्षद होगा तो लड़ेगा, आपकी नाली नहीं बनने देगा, आपकी सड़क नहीं बनने देगा, आपके सीवर नहीं डलने देगा, आपके मोहल्ले में कोई सरकार काम कर रही होगी उसको काम नहीं करने देगा। और केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो 2 गुना स्पीड से 3 गुना स्पीड से काम कराएगा आपका। तो इसलिए भाई मुकेश गोयल जी को भारी मतों से यहां से विजयी बना के केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में चुन के भेजें, क्योंकि आपके मोहल्ले में आपकी गली में केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो काम कराएगा, बीजेपी का पार्षद होगा तो काम कर रुकवाएगा, कराएगा नहीं, लड़ेगा। तो ये बस इतना मैं आपके बीच कहने आया हूं कि अगर अगले 5 साल गली मोहल्ले में काम की जगह लड़ाई झगड़े देखने हैं तो बीजेपी वाले को चुन लेना, खूब लड़ते हैं लोग, और अगर काम देखना है तो मुकेश गोयल जी को चुन लेना केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में। आपने पहले भी काम देखा है इनका, आपने पहले भी देखा है किस तरह से काम कराते हैं जनता के बीच जुड़ के, आगे भी कराएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, एक बार नारा लगा के मुझे बता दीजिए, सरकार केजरीवाल की तो पार्षद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।